प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम इस विषय पर मनन करने वाला है पवित्र मिसा के बारे में। पवित्र मिसा हमारे सीरो मलबार कलेसिया का सीरो मलबार मिसा बलिदान को हम लोग कुर्बाना बोलता है। कुर्बाना क्या बोलता है? कुर्बाना, कुर्बाना मतलब कुर्बान, प्रभु का बलि, प्रभु कुर्बान है। अभी मैं उसके बारे में, अच्छा अभी आप लोग चुप रहना, एकदम ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना पड़ेगा क्या बात है वहाँ। अभी बातचीत मत करना। अभी आप लोग पाप स्वीकार करते हुए पवित्र बना हुआ है, लेकिन ये पाप स्वीकार के द्वारा जो पवित्रता आपको कैसे मिला, उसके लिए कोई कुछ किया है क्या? कौन कुछ किया? प्रभु यीशु ने अपना जीवन बलि चढ़ाया, उसके द्वारा ही हम सबको पाप क्षमा मिलता है। तो इसलिए कलेसिया का कथन यही है कि पवित्र मिसा है हमारे क्रिश्चियन जीवन का स्रोत। अध्याय 1322 सही है ना? 1324 को क्या बोलता है? 1322 करेक्ट, 24 ओके, 1324। यूक्रिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। यूक्रिस्ट इज द सोर्स एंड समिट। मतलब पवित्र बलिदान है हरेक, मतलब मानव सबको, और जो खास करके जो प्रभु में विश्वास करता है, वो ग्रहण किया है, उनका जीवन का स्रोत पवित्र मिसा है। अभी कुछ समय एकदम कमती समय है, उसके बाद हम बलि चढ़ाने वाला है, तो मैं आपको एकदम आसानी से समझाएगा। ये मिसा बलिदान भाग लेते वक्त आप कैसा विचार में, कैसा चिंता में भाग लेना चाहिए, खास करके इस हमारे कोई भी मिसा बलिदान पर, जैसा कि सीरो मलबार का हो सकता है, नहीं तो लैटिन डायसिस का हो सकता, तभी सब बलिदान पर प्रभु यीशु का जीवंत बलि है। जीवन, प्रभु यीशु का जीवन, मतलब प्रभु यीशु क्रूस पर जीवन बलिदान किया, सिर्फ उतना ही नहीं मिसा बलिदान पर, प्रभु यीशु ईश्वर के बेटा होते हुए, ईश्वर वजन होते हुए पिता परमेश्वर के साथ रहा था, लेकिन उन्होंने वो पिता परमेश्वर के साथ रहने का जो चीज छोड़कर, उन्होंने एक इंसान बनकर
हमारे जैसा एक पापमय व्यक्ति के जैसा जेरूसलेम में नहीं तो बेथलहम में और एक चरनी में जन्म हुआ है, वहां से ही प्रभु का जीवन का बलि चालू हुआ है ना। प्रभु उस समय ही हमारे लिए उनका जीवन दे दिया, सूली पर चढ़ाया ठीक है, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। किसके लिए आत्मसमर्पण किया है? हमारा जीवन में हमें ईश्वरीयता देने के लिए। देखिए ये हमारे प्रार्थना में मिसा बलिदान का प्रार्थना में पेज 34 करेक्ट, इसमें क्या लिखा है? हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा है, सॉरी तेरा आत्मज मतलब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का आत्मपुत्र है, आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, प्रभु यीशु पिता का सादृश्य है, मतलब वो पुत्र है फिर भी वो प्रभु पिता का जैसा ही है, पुत्र है और पिता का सादृश्य है। तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप मतलब आप जो हैं वही है। वो रोमियो का नाम पत्र में लिखा है, रोमियो का नाम पत्र 1:15, कोलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र 1:15-16 में लिखा है, 1:15, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं। सब लोग हाथ उड़ाते हुए दोहराइए, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो, और स्वर्ग और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। उसके बाद बोलिए, घबराइए, वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही ठीक ही हुई है। वही शरीर करेक्ट है ना, वही शरीर अर्थात कलेसिया के शीर्ष है,
वही मूल कारण है। और मृतकों में से प्रथम जी उड़ने वाली थी वाले थे वाले भी प्रथम जी उड़ने वाले भी, इसलिए बहुत सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। अभी देखिए और इसके बारे में, अभी ये मिसा का किताब में पढ़ता है। देखिए अभी अब लोग दोहराइए मेरे पीछे, तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए और नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्त के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। ये रोज हम प्रार्थना में ये सब पढ़ते हैं तो भी ये समझना उतना आसान नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान से और एक बार खास ये बात सुनिए कि प्रभु ने नश्वर शरीर को अपनाया। क्या किया उन्होंने? नश्वर शरीर, वो जो ईश्वरी था, ईश्वर होते हुए वो आनंद है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए हमारा नश्वर हमारा शरीर उन्होंने अपनाया, अपना कर एक मनुष्य बन गया, पूर्ण मानव बना, पूर्ण मनुष्य बना। तो प्रभु का बलिदान वास्तव में उसी से चालू होता है जो प्रभु ने ईश्वर होते हुए ईश्वर के साथ रहना बराबर नहीं छोड़कर एक पापी मनुष्य के रूप में मनुष्य का शरीर अपना कर मनुष्य बना। तो मिसा बलिदान में भाग लेते वक्त सिर्फ प्रभु का जो कलवारी पहाड़ पर प्रभु ने बलिदान चढ़ाया वो सिर्फ काफी नहीं है, उनका बलिदान स्वर्ग से उतरा तभी चालू हुआ है। अभी ध्यान से सुनो, 2000 साल के पहले यह जब हुआ उसके बाद 30 साल उन्होंने एक गांव में एक झोपड़ी में रहा। वो पैदा हुआ एक गौशाला में और वो माँ बाप के साथ वो एक झोपड़ी में रहा। कौन था वो? ईश्वर। और वो गरीब के साथ, बहुत गरीबों को बहुत प्यार था क्योंकि वो गरीब बना खुद। ईश्वर सबों का मालिक है, सबके मालिक यीशु भगवान। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई खुशी नहीं बनाया, कोई चीज से खुशी नहीं लिया, वो सब कुछ छोड़कर एक गरीब बना। अच्छा,
अभी हम मिसा बलिदान पर ये बात को मैं इसलिए लेना चाहता है, मिसा बलिदान में भाग लेते वक्त ये प्रार्थना सब हम लोग करता है, तो मेरा एक उपदेश होगा कि आप हर व्यक्ति के पास एक किताब होना चाहिए और ये किताब आपका घर में होना चाहिए और घर में ये किताब को पढ़ना। इधर गिरजा पर आने से वो जो प्रार्थना एक एक होते जाता है, जो पिताजी फादर जी प्रार्थना करता है, उसके बाद सिस्टर जी प्रार्थना करता है, हम लोग उसके साथ एक मशीन के जैसा आगे बढ़ता है। थोड़ा सा उसको गहराई में समझने के लिए वक्त नहीं है, तब तक दूसरा प्रार्थना आ जाता है ना। तब देखो बहुत सारा चीज़ें हम लोग खरीदता है। आपका घर में ऐसा किताब है क्या? है क्या? है क्या? हाँ। और बाइबल है क्या? अच्छा, तो बाइबल होगा, लेकिन एक मिसा का किताब एक आपका घर में देखो। ये मैं पिताजी से सीखा है। मैं जब बच्चा था, मेरा पिताजी उनका अपना किताब लेते हमेशा गिर जाता था, वो मेरा भी आदत हो गया। इसलिए ये किताब में से जो प्रार्थना सब पहले ही हम पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ सोचना चाहिए, थोड़ा सा गहराई पर सोचना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आप जो नोट लेता है, अभी नोट लेते रहो, जो जो लिखता है संभाल के लिख लो। ये मिसा बलिदान को, बलिदान में प्रभु ईसा मसीह का जन्म से लेकर उनका दोबारा आने तक का घटना है। मिसा बलिदान पर वो कहाँ कहाँ है मैं समझाऊंगा। तो कहने की पहले हम सात घटना के बारे में सोचेंगे। सात घटना प्रभु ईसा मसीह का जीवन का, सात घटना नहीं तो सात रहस्य। रहस्य मतलब वो हमारा बुद्धि को मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए रहस्य बोलता है। आइए, रेडी, आप लिखिए। पहला रहस्य प्रभु का शरीर धारण, मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन। प्रभु मनुष्य बन गया, ईश्वर मनुष्य बन गया, शरीर धारण, मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन। प्रभु का शरीर धारण का रहस्य वो पहला है। मिसा बलिदान का शुरू में वहां से शुरू होता है, वो मैं बताएंगे। उसके बाद प्रभु ईसा मसीह का बाप्तिस्मा, दूसरा रहस्य। प्रभु ईसा मसीह का बाप्तिस्मा, दूसरा रहस्य। और तीसरा रहस्य प्रभु यीशु का घोषणा, उन्होंने पब्लिक को घोषणा किया, बहुत हजारों लोग उनका वचन सुनने के लिए और चंगाई प्राप्त होने के लिए उनका पीछे हुआ। सो उनका पब्लिक लाइफ, उनका घोषणा का जीवन। तो 30 साल के बाद, 30 साल के समय पर उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और तुरंत उन्होंने ईश्वर के राज का घोषणा चालू किया। ईश्वर के राज का घोषणा तीसरा। वो घोषणा के बाद उन्होंने अपना जीवन का दुख भोग और मरण, 14 घटना क्या है? 14 घटना क्या है? प्रभु का दुख भोग और मरण। और मरण के बाद क्या हुआ? पांचवा क्या है? पुनरुत्थान। वो मरण के पहले ही बोला था, वो लोग मुझे मार डालेगा, मैं मरूंगा, मुझे दफनाएगा, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठेगा। तो पांच हो गया, ये जी उड़ा प्रभु। अभी 9 तारीख को
नौ तारीख मतलब कल है ना, नहीं नहीं परसों, परसों क्या त्योहार है, परसों का त्योहार है प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार है। प्रभु पुनरुत्थान के बाद 40 दिवस पुनरुज्जीवित शरीर पर हमारे साथ रहा और 40 दिन के बाद प्रभु ने स्वर्गारोहण स्वर्ग पर चला। ओ तो पांचवा पुनरुत्थान और छठवा प्रभु का स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण द असेंशन, असेंशन और सातवां पेंतेकोस्त, प्रभु स्वर्ग में जाकर 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा को भेजा। तो मैंने कल कहा पवित्र आत्मा आने से कैसे आता है, कबूतर है लेकिन कैसे आएगा, उनका दोनों फंग फैला कर आएगा, वो दोनों फंग क्या है, पिता और पुत्र। टाँ, टाँ, टाँ। तो पवित्र आत्मा आएगा मतलब पवित्र त्रिएक ईश्वर हमारे हृदय पर आ जाता है और उस पुनरुत्थित प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के साथ हमारा जीवन पर बस जाता है। ये सात रहस्य है। लेकिन इसके अलावा एक है, ये जो प्रभु पुनरुत्थित प्रभु हैं वो फिर आएंगे, वो आठवां रहस्य है। वो प्रभु कब आएंगे, संसार का अंत तक, अंत में मतलब सब लोग प्रभु को जान जाएगा, प्रभु का सुसमाचार सब लोग अपनाएगा, उसके बाद प्रभु फिर दोबारा आएगा। प्रभु जब दोबारा आने से आने के समय, ये हमारा विश्वास है, हम विश्वास करता है, प्रभु जब दोबारा आते वक्त समस्त मानव जी उठेगा, मतलब अभी हमारे लोग जो मर गया है वो मिट्टी में मिल गया है ना, लेकिन मैं सोचो उसका जिंदगी खत्म हो गया, जिंदगी अभी तक नहीं हुआ है, वो जो मिट्टी पर मिला हुआ लोग सब जी उठेगा। संसार का अंत मतलब एक नया संसार चालू होगा, एक नई जेरूसलेम, एक नई स्वर्ग और भूमि चालू होगा। कैसे चालू होगा, जब प्रभु यीशु पुनरुत्थित प्रभु आएगा, इसलिए हम पढ़ा है ओम ओम, उसने हमारे मुक्ति के स्मरण रूप दे दिया, प्रदान किया वाले मुक्त करने के लिए वह, और ओ पुनरुत्थित प्रभु, पुनरुत्थित प्रभु उदयन हम दूसरा इसमें पढ़ा है, जो शरीर के पुनरुत्थान में उन्होंने जो शरीर के पुनरुत्थान किया वैसा हम सब ओम का पुनरुत्थान होगा। क्या आप ये विश्वास करता है, यही हमारा विश्वास मंत्र में हम कहता है शरीर की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता है, बाकी सब चीज विश्वास करना आसान है, क्योंकि पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, क्योंकि वो सबको सृष्टि किया है, हम देखता है और हमारा अपना जीवन पर भी देखता है, और प्रभु ईसा मसीह मानव बनकर आया, उनको देखा लोग, और मरा पुनरुत्थान किया सब देखा है, उसको विश्वास करने के लिए आसान है। लेकिन विश्वास करना जो आसान नहीं है वो कौन सा है, वो जो फिर आएगा, वो तो अभी हुआ नहीं है, होने वाला घटना है, वो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। और जब फिर आएगा तब क्या होगा, वो तो और बढ़िया, बहुत बहुत मुश्किल है विश्वास करने के लिए। जो हमारे पूर्वजों ने जो मर गया है और हम भी मर जाएगा,
लेकिन हम सब उड़ के आएगा। तो पहला सोचेगा, अरे इतना लोग कहां पर खड़ा होगा, इतना लोग जो जी उड़ेगा तो सब कहां खड़ा होगा। लेकिन उनका शरीर अभी जो शरीर है ऐसा नहीं होगा, उनके शरीर को जगह नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा आत्मिक शरीर होगा, आत्मिक शरीर जैसा प्रभु येशु, पुनरुद्धित प्रभु येशु दो चेलों के साथ जा रहा था एमाउस, और उन लोगों को उनको समझ में नहीं आया, उनको नहीं समझ में आया ये पुनरुद्धित प्रभु करके। लेकिन उसके बाद वो आगरी में एमाउस तक पहुंचा, उसके बाद लिखा है उन्होंने उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा, उन्होंने हाथ में रोटी लिया और धन्यवाद का प्रार्थना किया और ईश्वर को स्तुति किया और रोटी तोड़कर उन्हें दे दिया। तब उनका आंख खुल गया, तब वो समझ गया कि ये तो प्रभु पुनरुद्धित है। अरे ये तो हमारा प्रभु है, जो मरा हुआ प्रभु पुनरुद्धित हो क्या गया। लेकिन वो गायब हो गया, वो कहां चले गया, वो गायब हो गया, वो अप्रत्यक्ष हो गया। जो उनके सामने वो सुबह से उनके साथ बात करते हुए प्रभु वचन बताते हुए आया और शाम को उनके साथ बैठकर रोटी का धन्यवाद दिया, रोटी बांट के दिया, तब उनका आंख खुला, उन्होंने समझ में आया कि ये प्रभु हमारे प्रभु है जो मरा हुआ था लेकिन अभी पुनरुत्थित प्रभु है। लेकिन ये रोटी खाया उसके बाद ये प्रभु वहां से चले गया। कहां चले गया कोई बोल सकता है, वो प्रभु कहां गायब हो गया। हाँ, प्रभु रोटी के रूप में उनका अंदर आ गया। पुनरुत्थित प्रभु रोटी के रूप पर इंसान के अंदर घुस गया। उन लोग बहुत परेशानी था क्योंकि उनका गुरु को, उनका मसीह को उन लोग के सामने, आंख के सामने मार डाला। उनका मन बहुत दुखी था, बहुत दुख होते हुए उन लोग जेरूसलम छोड़ दिया। अभी एक ग्रुप के साथ रहना ही नहीं है। वो क्या यीशु ये सब बोला था लेकिन उनको लोग मार के खत्म कर दिया। अभी जेरूसलम रहने का क्या जरूरत है, चलो भाई जाएगा। ऐसा वो लोग चले गया था, चले गया तो प्रभु यीशु उनके साथ आ गया। साथ रहना प्रभु जी, वो गीत उसी वक्त का है। और प्रभु यीशु उनके साथ ऐसा भाषण करके उनके गांव में आया और प्रभु एक एक्टिंग किया, एक्टिंग। वो बोला मुझे दूर जाना है, तभी लोग बोला भाई साहब आज हमारे साथ रह जाइए, अभी अंधेरा हो गया ना, कल जाएगा। उस वक्त का बारे में ये गाना है, साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रहा है राहों में अंधेरा फैल रहा है। तो प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है भाई आओ, मैं ले जाएंगा। उसके बाद उन्होंने रोटी निकाल कर थोड़ा और उन्हें दिया तो तुरंत उनको समझ गया कि अरे ये तो हमारा प्रभु है, ये पुनरुत्थित हो गया। उनका सब दुख तकलीफ दूर हो गया। वो इतना हृदय पर दुखी था क्योंकि उनका गुरु को मार डाला, लेकिन अभी वो सब दुख चले गया।
चले जाने के बाद चले गया सिर्फ नहीं, इन लोग तुरंत वापस यरूशलेम आना गया। वो बोला कि हम लोग तुरंत यरूशलेम वापस आना चाहिए। और वो लोग जब यरूशलेम से एमाउस आते वक्त दुखी होते हुए, अरे क्या करेगा, इतना दिनों यीशु के साथ रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ, उनको लोग ने मार डाला, अभी क्या करेंगे। उसके बाद ऐसा रो रो के आ रहा था, लेकिन अभी वापस जाने के वक्त वो लोग इतना गुस्से में, हालेलुया, अरे प्रभु सचमुच में जीवड़ा है, हम लोग देखा है प्रभु जीवड़ा है, प्रभु जीवड़ा है, हम लोग देखा है, हम लोग से मिला है, हालेलुया, चलो 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 चलो। वही सुसमाचार, सुसमाचार तब से चालू हुआ, सुसमाचार तब से चालू हुआ कि जब प्रभु को, पुरोहित प्रभु को उन लोग खाया, तब उनका हृदय से इतना खबर आने लगा, उतना शक्ति आने लगा, उन लोग सुसमाचार घोषणा करने लगा। सबसे पहला सुसमाचार यह है, यही है कि प्रभु यीशु सचमुच में जी उठा है, हालेलुया। यही ईसाई का जीवन। तो हमारा जीवन पर एक अलग जीवन आ गया। किसका जीवन? पुनरुद्धित प्रभु का जीवन, वही मिसा बलिदान का पूरा। अभी तो ये मिसा बलिदान पर जो सात घटना जो अभी जो हुआ है और एक घटना जो होने वाला है, तो क्या क्या घटना है सब बोलिए। सबसे पहला घटना क्या है? प्रभु का शरीर धारण, मतलब इनकार्नेशन। दूसरा घटना, प्रभु का बाप्तिस्मा। बाप्तिस्मा का समय पर पवित्र आत्मा उसमें आया और उन्होंने तुरंत घोषणा करने लगा, दैट इज वो। तीसरा घटना, स्वर्गराज का घोषणा और चंगाई। और चौथा घटना, प्रभु का दुखभोग और मरण। दुखभोग और मरण के द्वारा प्रभु ने हमारा पापों को अपनाया, पाप से मुक्ति दिया। और पांचवा घटना, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान द्वारा प्रभु हमारे हमको नया जीवन दिया। तो हमेशा ये सोचो, मरण और पुनरुत्थान एक सिक्का का दोनों बाजू है। एक सिक्का होता तो उसको दो बाजू होता ना, एक ही बाजू नहीं, तो एक 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 सिक्का का दो बाजू जैसा। प्रभु का पुनरुत्थान सिर्फ नहीं मिलता है, पुनरुत्थान होने के लिए अवश्य क्या जरूरत है, पुनरुत्थान होने के लिए क्या जरूरत है, मरण। ये हमारा जीवन पूरी ऐसा होता है, दुख भोग और पुनरुत्थान। गुड फ्राइडे एंड ईस्टर। अब ईस्टर मनाता है, कब ईस्टर मनाता है? गुड फ्राइडे के बाद। मैं बोलता है नहीं नहीं, मुझे कार फाइटर क्या बोलता है गुड फ्राइडे को, गुड फ्राइडे समझ में है ना, गुड फ्राइडे को क्या बोलता है दूसरा, पवित्र पवित्र, या मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है समझ, मेरा अंदर किसीम का भाषा है, मेरा जर्मन भाषा में कार फाइटाक बोलता है, कार फाइटाक, तो वो आ जाता है। तो पवित्र शुक्रवार, ये पवित्र शुक्रवार नहीं है तो ईस्टर नहीं बोलता है। अच्छा, अभी हम जल्दी से पढ़ने वाला है मिसा में ये सब कौन सा जगह पर ये घटना होता है। आज आपको मिसा इतना अच्छा अनुभव होने वाला है, और आज एक बार ये अनुभव होगा तो हर मिसा बलिदान पर ये अनुभव होना चाहिए। ये मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ, तब से ये मिसा बलिदान के बारे में मैं बहुत प्रवचन देना चालू किया, क्योंकि हमारे लोग मिसा चढ़ाता है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा देखो,
सबसे पहला प्रार्थना ये मिसा प्रभु यीशु ने स्थापना किया है। अब से हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान। तो ये मिसा बलिदान का स्थापना प्रभु ने अंतिम भोज के समय पर किया है। प्रभु का अंतिम भोज पर प्रभु तीन स्थापना किया, तीन स्थापना। एक तो मिसा बलिदान का स्थापना किया जो संस्कार है, और पुरोहिताई का स्थापना किया वो भी एक संस्कार है, और दूसरा स्थापना किया एक नया नया आज्ञा का स्थापना किया। जो 10 आज्ञाओं को प्रभु ने दिया है पहले, लेकिन वो 10 आज्ञा सब मिलाकर एक की आज्ञा में बनाया, क्योंकि ये मैं नया एक आज्ञा देता हूँ, जैसे मैं तुमसे प्यार करता है ऐसा तुम दूसरे को प्यार करो। ये जो नया विधान नया आज्ञा हमें मिला है, यही हमारा जीवन का मकसद। जैसे पति पत्नी के लिए अपना जीवन देता है, पत्नी पति के लिए अपना जीवन देता है, वो शादी मतलब जैसा प्रभु और कलेसिया, प्रभु कलेसिया के लिए जीवन दिया। अभी मैं मेरा पत्नी को शादी किया मतलब मेरा जीवन मैं उनको दे दिया, और उन्होंने उनका जीवन मुझे दे दिया, और हम दोनों का जीवन एक बन गया जैसा प्रभु ने जीवन बताया दिया है। और क्यों मैं स्थापना किया वो भी जरा सुनिए। देखो आप लोग चावल और केरोसिन मिट्टी तेल कहाँ से मिलता है आपको, उसको क्या बोलता है वो दुकान को, रेशन शॉप, करेक्ट, रेशन मिलता है ना, रेशन, करेक्ट, रेशन है, रेशन, रेशन में जाएगा तो मिट्टी तेल और चावल गेहूं और शक्कर मिलता है। तो इसको बोलता है एक एक व्यवस्थिति, इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और दवाई मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा है, मेडिकल शॉप जाना पड़ेगा, दूसरा कहाँ नहीं मिलेगा। और पेट्रोल मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पेट्रोल टैंक जाना पड़ेगा है, उसको क्या बोलता है, पेट्रोल बंक। अभी वो उदाहरण ले लो, देखो आप सोचो ये पेट्रोल कहाँ बनता है, पेट्रोल बनता है बहुत बड़ा कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना है उसका अंदर, मैं वो कारखाना में काम किया है, बहुत बड़ा टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन वहां से एक भी लीटर नहीं देगा, नहीं देगा वो कारखाना का डायरेक्टर को भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल वितरण वितरण करने का एक व्यवस्थिति है, उसको बोलता है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। क्या बोलता है, इकोनॉमी, क्या बोलिए, इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो क्या है, सिर्फ पेट्रोल बंक के द्वारा ही है। ये सिर्फ हमारे राज्य का नहीं, समस्त संसार में पेट्रोल मिलना तो पेट्रोल बंक जाना पड़ेगा, वहां पर मिलेगा। अभी ये याद रखो, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने अंतिम भोजन के दिन समय, दूसरा दिन प्रभु ने उनका जान देने वाला है, उनका जान बलि चढ़ाते हुए समस्त संसार के लिए कृपा बनाने वाला है, मतलब जैसा पेट्रोल जैसा वो कृपा को बनाएगा, और वो बहुत बड़ा टैंक में इकट्ठा होगा। लेकिन उससे क्या फायदा है, ये तो लोगों पर पहुंचना पड़ेगा ना, ये कृपा लोगों को पहुंचना पड़ेगा ना, उसको बोलता है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कृपा लोगों पर वितरण करने के लिए
प्रभु ने एक व्यवस्था बनाया जैसा ये पेट्रोल पंप जैसा, वही है पवित्र बलि और फादर का जो पुरोहिताई, जो पुरोहिताई, पुरोहिताई के द्वारा, पुरोहित के द्वारा और वरम प्रसाद संस्कार के द्वारा ईश्वर का इस मुक्ति का योजना का फल सबों को बांट दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये संस्कार बनाया। समझ में आया ना? समझ में आया? ये तो बहुत महान चीज है। मुझे एक फादर जी बोला, अरे ये तो हम लोग कितना दिन बैठ बैठ के पढ़ा, आप तो 5 मिनट में उनको तो हमको समझा दिया। हाँ, समझिए ना, साधारण लोगों को समझ में आया ना। जैसा हम रेशन शॉप में जाएगा तो मिट्टी तेल और चावल गेहूँ मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा वितरण सबों को पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया है। आपको रेशन कार्ड है वो दिखाएगा तो मिलता है। वैसे ही हमें बाप्तिस्मा ग्रहण किया, ईसाई है तो हमें रेशन मिलना चाहिए। वो कौन सा रेशन है? प्रभु यीशु का शरीर और रक्त के द्वारा उन्होंने जो मुक्ति का योजना बनाया, उसका मुक्ति का फल हमको मिलना चाहिए। तो सबसे पहला प्रार्थना वही है। क्या है, क्या है प्रार्थना? आज सी हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज। तो ये प्रार्थना करते वक्त आप ये याद रखना, प्रभु ने ये मुक्ति का ये भोज बनाया कि ये सबों को उनका उनके द्वारा देने वाला रक्षा का अनुभव होगा। अभी उसके बाद सीधा दूसरा है। क्या है? परम धाम में ईश्वर की महिमा। ये ईश्वर का शरीर धारण, प्रभु का शरीर धारण का समय पर स्वर्गदूतों ने गीत गाया, स्वर्गदूतों ने ऊंची आवाज से चरवाहों को संदेश दिया, ये संदेश दिया कि आज दाऊद के नगर में एक मुक्ति दादा प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। सर्वोच्च ईश्वर की महिमा हो, सर्वोच्च ईश्वर की महिमा हो और प्रतिपोषवों को शांति, क्योंकि आज संसार का मुक्ति दादा इस बेतलहम पर पैदा हुआ है। ये घटना का यहां पर पुनर्आविष्करण होता है। मतलब मिसा बलिदान पर जब ये गीत गाते हुए उस घटना को याद करते वक्त, हाँ ये एक बात और याद रखना, ये प्रभु ने जो संस्कार बनाया है उसके द्वारा हम लोग उसको बोलता है कि लिटर्जी। लिटर्जी मतलब जो हमारा जो आराधना सब जो उसको लिटर्जी बोलता है। हमारा ये सब रहस्य का व्यवस्थिति, वो व्यवस्थिति ऐसा बनाया ही प्रभु ने कहा ये जब भी तुम जब करेगा मेरा याद में करेगा तो वहाँ पर होगा। ये तुम मुझे याद करते हुए करेगा तब मैं वहाँ पर आएगा, ये सचमुच वहाँ पर होगा। मतलब उसको 3 कार्य होता है। एक तो वो प्रभु प्रकट होता है और दूसरा प्रभु शामिल होता है, प्रभु का सान्निध्य होता है और प्रभु का बाढ़ होता है, प्रभु को बांटना है। क्या क्या 3 कार्य होता है मिसा में? एक एक घटना का प्रार्थना करते वक्त प्रभु का प्रकटन होता है, प्रभु प्रकट होता है, प्रभु शामिल होता है, प्रभु कम्युनियन प्रभु वितरण देता है। तो पहला जब हम 3 बार एक गीत गाते वक्त सबसे पहले
मिसा बलिदान पर प्रभु का शरीर धारण का घटना यहाँ पर फिर होता है, ताकि हम लोग ये समझेगा हे प्रभु आज मेरा जीवन पर प्रभु ने आ गया है, मेरा पापमय जीवन को आप अपनाते हुए आपका ईश्वरीय जीवन मुझे दे दिया, वही शरीर धारण तब से ही चालू हो गया। हम लोग सोचते हैं कि हम जो पवित्र कम्युनियन पवित्र मिसा में प्रभु यीशु का शरीर ग्रहण स्वीकार करते वक्त ही प्रभु आता है, ऐसा नहीं, ये मिसा का शुरू में ही प्रभु हमारे पास आ गया। कैसे आ गया? प्रभु शरीर धारण किया, शरीर धारण करते वक्त स्वर्गदूतों ने गीत गाया, परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा। तो ये गीत गाते वक्त आप सोना नहीं, साथ में गाना और विश्वास करना कि अभी ईश्वर इंसान बना, उस इंसान मैं है, मैं हूँ, मैं भी वो इंसान है, मैं प्रभु यीशु का शरीर पर आ गया। क्या आप ये विश्वास करता है करेगा? ईश्वर इंसान बना मतलब मैं भी ईश्वर का शरीर पर है क्या? आप ईश्वर का शरीर पर है क्या? विश्वास कीजिए, आज मिसा बलिदान पर ये गीत गाते वक्त आप विश्वास करो प्रभु इंसान बन गया, मतलब मैं भी वो इंसान हूं, मेरा शरीर प्रभु ने ले लिया। प्रभु को शरीर नहीं था, प्रभु अदृश्य था, प्रभु वचन था, लेकिन वो प्रभु क्या किया, उनका ईश्वरीयता हमें दे दिया और हमारा शरीर उन्हें दे लिया। थोड़ा सा गहरा ही है लेकिन आज अनुभव होगा। अच्छा, उसके बाद सोचो प्रभु एक बच्चा होकर बन जीवन चालू हो गया, माता मरियम और संत जोसेफ उनको बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? उन लोग रोज प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? सबसे पहले हे पिता बिंदी प्रार्थना करता था, उसके बाद उन्होंने स्तोत्र ग्रंथ का स्तोत्र लेते हुए प्रार्थना करता था। तो इसीलिए पहले हम ये हे पिता बिंदी प्रार्थना करता है, उसके बाद स्तोत्र ग्रंथ का देखो, खुशी से गाए आत्मा मेरी जीवन पर तुम महिमा प्रभु की। वो स्तोत्र ग्रंथ का गीत मतलब यही है कि इसराइली लोग रोज 7 बार ये गीत गाते हुए रोज प्रार्थना करता है, 7 बार। उसको बोलता है कि घंटा का प्रार्थना, हर एक घंटा में हमारा सिस्टर लोग फादर लोग को वगैरह उनका घर में सुबह बड़े सवेरे, उसके बाद नाश्ता के बाद, उसके बाद भोजन का पहले भोजन के बाद, उसके बाद शाम को, उसके बाद रात को, ऐसा 7 समय स्तोत्र ग्रंथ लेते हुए प्रार्थना होता है। हम भी कर सकता है, अभी हमारे सब घर में जगह पर सुबह दोपहर को और शाम को गिरजा का घंटी बजता है, गिरजा का घंटी बजने से हम लोग घंटी बजा चलो प्रार्थना करना प्रार्थना करना प्रार्थना करना। अगर खेती में काम करने वाला लोग तक देखो घंटी बजाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हे पिता हमारे प्रार्थना करता है। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। और ये तो अभी कॉन्वेंट में वगैरह सिर्फ 3 घंटी नहीं 7 बार घंटी होता है, कहीं कहीं जहाँ पर एक एक घंटा पर घंटी होता है, तब उन लोग घंटी होगा तो तुरंत काम बंद करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बढ़ाई हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बढ़ाई हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बढ़ाई हो, इतना कम से कम प्रार्थना करता है। ये हम भी कर सकता, बीच बीच में काम काज का बीच बीच में प्रभु को याद रखना तो, लेकिन हमारा पास समय नहीं है इसलिए एक स्तोत्र गीत हम पूरा नहीं गाता है। उन लोग एक बार बहुत सारा स्तोत्र गीत गाता था, हमारा सब समय नहीं है करके
मिसा में एक स्तोत्र हम पूरा नहीं गाता है, यही हमारा हालत हो गया। पता नहीं आज क्या होगा, हम पूछेंगे आज एक स्तोत्र पूरा गाएगा है फादर जी, एक स्तोत्र पूरा गाने देगा क्या? फादर सोचेगा कि लोग क्या बोलेगा, उन लोगों को समय देखता है, जल्दी खत्म करना, लोग क्या पूछेगा, देखो फादर को जल्दी जाना है इसलिए जल्दी खत्म करो। इसका बीच में क्या होता है, इसका सारांश नष्ट होता है। तो प्रभु यीशु सब स्तोत्र रोज प्रार्थना करता था, और माता मरियम स्तोत्र ग्रंथ का प्रार्थना पिता प्रभु यीशु और माता मरियम का रोज का प्रार्थना है। अच्छा, उसके बाद हमारा देखो हमारा सिरो मलबार बलिदान का एक अनोखी घटना है कि पुनरुत्थान गीत। प्रभु जन्म हुआ किसके लिए? हमें बचाने के लिए। और हमें बचाने के बाद प्रभु आग्र में फिर आएगा, लेकिन फिर आने के लिए पहले आना पड़ा ना। प्रभु को दोबारा आने के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है? पहले आना। इसलिए हमारे लैटिन गिरजा में वो क्रिसमस का समय पर, क्रिसमस मतलब प्रभु का शरीर धारण का समय पर प्रभु का दोबारा आने का सब प्रार्थना होता है। और उसमें ऐसा लिखा है, हे प्रभु तुम्हारा पहले आगमन के द्वारा तूने तुम्हारा दूसरा आगमन का तैयारी किया है। सचमुच हमारे विश्वास का सबसे बड़ा चीज यह है कि प्रभु दोबारा आएगा। उसके लिए हम प्रभु का पहला आगमन जरूरी था। यही हमारा इस वक्त का प्रार्थना, ये बहुत खास प्रार्थना है। ये सिर्फ हमारा ये सिरो मलबार में है। सिरो मलबार मतलब एक ईस्टर्न चर्च, पूर्व पवरस्त्य गिरजा कलेसिया में लैटिन गिरजा के अलावा 35 दूसरा गिरजा लोग है, गिरजा है जैसा सिरो मलबार जैसा, वो सबको अलग अलग मिसा बलिदान है। हमारा मिसा बलिदान का एक अनोखी चीज ये है कि ये पुनरुत्थान गीत। सो सिर्फ एक गीत नहीं, उस वक्त हम याद करता है कि स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा का, और हम प्रभु को आराधना करता है। प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं। ये पहले स्टेप देते वक्त हम प्रभु को दंडवत करते हुए, सब लोग प्रभु की ओर देखता है और दंडवत करता है, क्योंकि वो ये क्योंकि उन्होंने आने वाला है। कैसे आने वाला है देखिए, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। तन को मतलब शरीर को, तू हमारा शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है। तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तो प्रभु जब दोबारा आते वक्त समस्त संसार के लोग का शरीर जी उठेगा। वो हम आशा रखना चाहिए उस मिसा बलिदान पे, तभी वो उनका महान शक्ति का वाले में, उनका शक्ति इतना महान है। स्तुति हम क्यों स्तुति करते हैं? प्रभु जी महिमा गाते हैं, यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगा। तुम ही उतना महान है,
लेकिन एक गीत के बाद फिर पुरोहित याजक इसको बहुत बहुत गहराई में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु। देखिए सब लोग मेरे पीछे दोहराइए और ये हमेशा आप याद रखना, ये प्रार्थना जब याजक पुरोहित प्रार्थना करते वक्त आप उसके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और तेरी आराधना हो सबके प्रभु सर्वदा। ये बहुत खास प्रार्थना है, तीन कार्य करता है वास्तव में, मतलब सचमुच, इसका कोई शक नहीं। वास्तव में तू हमारे शरीर को, हमारे शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, हमारा माँ बाप का शरीर, सब लोगों का शरीर, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, फारसी हो, सबों का शरीर जी उड़ेगा। ये आप विश्वास करता है क्या? कितना लोगों विश्वास करता है, हाथ उठाइए। समस्त संसार के लोग जी उड़ेगा, हाथ उठाइए और बोलिए हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये विश्वास हमारा, हम विश्वास मंत्र में है तो यही हमारा विश्वास है। तो वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, शरीर ओके, हमारी आत्मा को उद्धार करने वाला है और उसके बाद क्या होगा हमारा जीवन? हमारा जीवन ईश्वरी का जीवन बन जाता है और ईश्वर के साथ आनंद, कभी अंत नहीं, कभी अंत नहीं। देखा एक हिंदू और बुद्धिस्ट लोग बोलता है कि पुनर्जन्म होगा, पूरा मैं पहला जन्म में कुत्ता था, अभी दूसरा जन्म में हाथी था, अभी मालूम नहीं अभी मैं दूसरा जन्म में क्या बनेगा, इसके लिए बोलता है पुनर्जन्म बोलता है। लेकिन वो सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? अरे हमारा जीवन 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 का अंत नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? हमारा जीवन का, हमारा जीवन ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का जीवन जैसा अनंत काल तक रहने के लिए बनाया है, हमारा जीवन का अंत नहीं होता है। फिर कैसे पुनर्जीवन होगा? समझ में आया? तो लेकिन हम लोग इसका बीच में रहता है, इसलिए क्या मालूम नहीं यह जन्म में मैं ऐसा हुआ, अभी यह मालूम नहीं अगले जन्म में क्या होने वाला है। ऐसा कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। इंसान को एक ही जन्म है और वो ईश्वरीय जन्म है, वो ईश्वर का जैसा ही प्रभु ने बनाया, उनका जीवन खत्म नहीं होता है, उसके लिए हम अनंत जीवन बोलता है। अभी कुछ लोगों को बोलता है कि अरे ये तो एक अच्छा खबर मालूम पड़ा है ना, किसी को ऐसा लगता है पहले बार है सुनता है, ये सही बात है, कोई ऐसा बोलता नहीं है। ये कलेसिया का सिघावत में है, एक हजार तेरह कि ये सब नंबर मुझे याद है, एक हजार तेरह देखो लिखा है, ए देयर इज नो रीइनकार्नेशन आफ्टर डेथ, ये नंबर लिखिए 1013, देयर इज नो रीइनकार्नेशन, क्योंकि हम हमारा जीवन का अंत नहीं है, हमारा जीवन अनंत है, हमारा सिर्फ नहीं सबों का।